हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। आज मैं तुहानू करवाउण जा रही हाँ जी न्यू क्यू कार्ड, जो कि हुणे हुणे रीसेंटली लिस्ट दे विच ऐड होया है। टॉक अबाउट अ टीवी शो यू लाइक टू वॉच। कोई भी टीवी शो दसना जो तुहानू देखना पसंद है। वट इज़ द प्रोग्राम अबाउट, वो प्रोग्राम किस बारे है। वैन डू यू वॉच इट, तुसी कदों देखते हो। हू डू यू वॉच इट विद, किस नाल देखते हो। वाई डू यू लाइक टू वॉच इट, तो तुहानू ये जिहड़ा भी प्रोग्राम है क्यों देखना पसंद है। सो इस दे विच आपां वोकैबवर्ड्स कवर करांगे, प्लस तुहानू इस दे फॉलोअप्स क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्लस जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपां इस दे विच हरेक क्यू कार्ड दे विच तुहानू कवर करवाने आ, ईडियम। ईडियम्स क्यों कवर करवाए जाते हैं, ताकि तुसी अपना बैंड स्कोर इंप्रूव कर सको। जे तुसी 6.5 तो तो तुसी 7 कर सको, जे तुहाडी स्पीकिंग 7 दी है तो तुसी होर उसनूं गेन कर सको। सो उस तो बाद ये भी मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि जिहड़ी अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस ने, ठीक है जी, वह चल रही ने। तो जिहड़ा हुण अपना सेंटर ओपन होया मानसा दे विच, ओपन होया, उत्थे तुसी विजिट करके भी ऑनलाइन ते ऑफलाइन क्लासेस लै सकदे हो। सो हुण आपां करदे हां जी वोकैबवर्ड्स। फर्स्ट है जी क्वाइट, क्वाइट हुंदा बहुत। सेकेंड इज़ प्रोमीनेंट, मेन। थर्ड इज़ क्यूरियस, क्यूरियस हुंदा उत्सुकता होनी, क्रियोसिटी होनी। नैक्सट इज़ प्लैथोरा, प्लैथोरा हुंदा बहुत ज़्यादा, मैनी दे लई यूज़ करते हैं आपां। नैक्सट वर्ड है जी फिफ्थ, बस्ट। बस्ट का मतलब किसी चीज़ नूं रिड्यूस करना या खत्म करना, जिवें बस्ट स्ट्रैस, स्ट्रैस नूं खत्म करना। नैक्सट इज़ वर्कहोलिक, वर्कहोलिक कौन हुंदा जो बहुत ज़्यादा लोंग टाइम काम करन, बहुत काम करन वाला इंसान। नैक्सट है गैट रिड ऑफ, गैट रिड ऑफ का मतलब हुंदा है कुछ भी भुल जाना। मोनोटनी हुंदा है बोरिंग, मोनोटनस लाइफ हुंदी है, बोरिंग लाइफ। ह्यूमर का मतलब हुंदा ओ परसन जो बहुत फनी स्किल्स दे नाल दूजा नूं हसाउंदा होवे। नैक्सट इज़ बैड ऑफ रोजिज, बैड ऑफ रोजिज़ का आप जो यूज़ करते हैं, बैड ऑफ रोजिज़ एक ईडियम है, ये यूज़ किया जाता है कि बहुत जिहड़ी लाइफ आ ईजी होवे, अपनी लाइफ के बहुत सारिया लाइक जिहड़ियां खुशियां ही होन। नैक्सट इज़ बर्न मिडनाइट ऑयल, बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब हुंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। नैक्सट इज़ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब हुंदा कोई झलक, मतलब कि जिहड़े ग्लिम्स ऑफ देयर कल्चर, मतलब कि वह चीज़ तुहानूं वह कल्चर बारे दसदी है, मतलब कि हिस्ट्री बारे दसना। सो हुण आपां स्टार्ट करांगे जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दे विच कवर करांगे फस्ट आपां लाइक टॉपिक दी स्टेटमेंट नूं। कहिंदे टैलीविजन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वन कैन वॉच डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स सच एज मूवीज, रियलिटी शोज, न्यूज़ एंड मैनी मोर टू नेम बट अ फ्यू। सो टीवी की है जी एक ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ, जिस पर आप बहुत प्रोग्राम्स देख सकते हैं, कोई फन दे रिलेटेड, सो गुड टाइम आप लाइक पास कर सकते हैं अपना। सो हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई ऑल टाइम फेवरेट टैलीविजन प्रोग्राम। सो इतने मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट टीवी प्रोग्राम बारे दसन जा रही हूँ। तुसी कोई भी दस सकते हो, कोई कॉमेडी दसना है, कोई रियलिटी शो। कहते इट इज़ नन अदर दैन बिग बॉस, वो होर कोई नहीं, कहते बिग बॉस आ। इट इज़ इंडियन रियलिटी शो, इंडियन रियलिटी शो आ। होस्ट कौन कर रहा है, होस्टड बाय सलमान खान। ही इज़ क्वाइट प्रोमीनेंट एक्टर ऑफ इंडिया, काफ़ी फेमस एक्टर है, प्रोमीनेंट मेन आप कह सकते हैं। एंड दिस शो टेलीकास्टड ऑन कलर्स टीवी चैनल ऑन वीकेंड्स एट 10 PM। सो ये कलर्स टीवी चैनल के उत्ते लाइक टेलीकास्ट किया जाता है। आई यूजली लाइक टू इंजॉय दिस शो विद माई होमीज एज एवरी वन इन माई होम इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट दिस प्रोग्राम। सो मैं सारे होमीज़ के नाल कहते देखना पसंद करती हूँ। होमीज़ कौन होंगे जो तुहाडे नाल रहिंदे होण। सो कहते सानू बहुत आप कह दिए भी क्रियोसिटी होंगी आ भी देखने इसनों। नैक्सट है कहते दे पिछे की रीज़न आ, कहते देर आर प्लेथोरा ऑफ रीजनस वाई आई फेवर दिस शो। फर्स्टली बींग अ वर्कहॉलिक पर्सन आई हैव नो फ्री टाइम टू एंटरटेन माई सेल्फ एंड वेन एवर ऑन वीकेंड्स आई हैव स्पेयर टाइम आई लव टू वॉच दिस शो टू बर्स्ट द स्ट्रेस। सो कहते जिमें कि पिछले बहुत सारे रीज़न है, मैं एक काम करने वाला इंसान हाँ, बहुत काम करने वाला, सो मेरे को टाइम ही नहीं होंगे। सो कहते स्पेशली वीकेंड्स से मैं की करती हूँ अपने आप में एंटरटेनमेंट करने के लिए, कहते जो भी मेरे को फ्री टाइम होंगे तो मैं ये टीवी या जोड़ा शो आ देखती हाँ, ताकि मेरा स्ट्रैस है जोड़ा बर्स्ट हो जाए, घट जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस फेमस टीवी एक्टर्स टेक पार्ट इन देयर शो विद ग्रेट विल एंड दिस शो कंटेन गुड कंटेंट ऑफ ह्यूमर एंड वन कैन ईजली गेट रिड ऑफ फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ लाइफ बाय वॉचिंग दिस प्रोग्राम। नैक्सट थिंग की है कि ये बहुत सारे जो फेमस एक्टर होंगे पार्टीसपेट करते हैं, जोड़ा कंटेंट है बहुत ह्यूमर हों, ह्यूमर मतलब कि वही फनी वे का हों, कोई भी परसन कहते अपना ज़्यादा जोड़ा भी उन्होंने स्ट्रैस है उन्होंने भूल सकता इस शो को देख के। आई हैव लर्न मैनी लैसनस, मैं की सीख्या, कहते मैं बहुत लैसन सीख्या फ्रॉम दिस प्रोग्राम एज स्टार्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स पार्टीसपेट इन दिस। सो कहते
ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬੈਡ ਆਫ ਰੋਜ਼ਿਸ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਹੈਵ ਬੀਨ 15 ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਐਂਡ 16 ਵਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਈਗਰਲੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਡਿਕਟਿਡ ਸੋ ਦਿਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋਲਵਾਂ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਈਗਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਲੋਅਪਸ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵਟ ਡੂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਵਾਇਲ ਦ ਟੀਨੇਜਰਸ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਵਾਚਿੰਗ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਪਸੰਦ ਆ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਫਰੋਮ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਗਿਵ ਅ ਗਲਿਮਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕਲਚਰ ਸੋ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਫਰੋਮ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਕ ਵਿਊਇੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕਲਚਰ ਬਾਏ ਵਾਚਿੰਗ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਯੈਸ ਵਾਚਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਬਾਏ ਆਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਟੂ ਲਰਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਮੇ ਫਾਈਂਡ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੇਮ ਇਸੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਆਂਸਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਿਲਡਰਨ ਮੇ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊਕਾ ਟੋਪਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊਕਾ ਟੋਪਿਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ